यहाँ देखिए बड़ा अच्छा तो ये अद्भुत नजारे, काफी कोहरा है सुबह सुबह। दोस्तों जो है कि अब हम लोग यहाँ रुके थे, मैं यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। रात को जो है किस तरह से हम लोग देखिए, गौरव गरम गरम पानी पी रहे हैं, सुबह हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो है कि रंजू क्या कर रही है, भाई गुड मॉर्निंग बोल दीजिए रंजू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये बिस्तरा है हम लोगों का, ये अपना हम लोग चपत रहे हैं लेकर के। हम लोग जो है कि अपना रजाई वजाई तो आए थे, यहाँ से मिला था लेकिन उस तरह का उतना मतलब अपने रजाई लेकर के आए थे कार में, कोविड में। तो इस तरह से आज हाँ, तो अब जो है कि यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मैम जाना है यहाँ से सरजू जी, फिर दिखा रहे हैं वहाँ का, देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से लोग जो है कि सुबह सुबह जा रहे हैं, देख रहे हैं इतनी ठंडी है, आस्था यही होती है। तो जा रहे हैं लोग सरजू जी को स्नान करने के लिए, काफ़ी भीड़ है, मतलब कि ये नहीं लग रहा है कि इतनी ठंड में लोग जो है कि, देखिए यहाँ पर सब झोला अपना बाटल जो भी है लेकर के तमाम लोग इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और इधर से क्या कर रहे हैं लोग जा रहे हैं। तो मैं भी निकला हूँ, देखता हूँ वहाँ पहुँच करके क्या वहाँ का दृश्य है, कैसा है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ पर और कोहरा पड़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही न करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डाले, धातु यहाँ ले जा हुए स्नान करें। आगे गहरा पानी है, रुक जाने की संभावना है, किसी भी असुविधा के होने पर काफी कोहरा है। कृषि प्रभारी जल पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। दोस्तों आस्था जो है सबसे बड़ी बात होती है और यहाँ पर आस्था ही की बात है और लोग जो है कि इस ठंड में भी यहाँ पर जो है कि आकर के स्नान कर रहे हैं और नहा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आस्था की बात है, यहाँ पर कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ पर और कोहरा पड़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही न करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। कूड़ा करकट कूड़ेदान में डाले, धातु यहाँ ले जा हुए स्नान करें। आगे गहरा पानी है, रुक जाने की संभावना है, काफी कोहरा है सुबह सुबह। कृषि प्रभारी जल पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अयोध्या में आए हुए सभी यात्रियों का हार्दिक दोस्तों आस्था जो है सबसे बड़ी बात होती है और यहाँ पर आस्था ही की बात है और लोग जो है कि इस ठंड में भी यहाँ पर जो है कि आकर के स्नान कर रहे हैं और नहा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आस्था की बात है, यहाँ पर तो मित्रों देखिए पापा आ गए सरयू जी के किनारे और ये एक अद्भुत नजारा सुबह सुबह का। घाट के किनारे हम आ गए हैं और ये देखिए सूरज भगवान का आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है और ये देखिए नदी का प्रवाह, ये घाट की छटा कितना शानदार लग रहा है और सब लोग नहाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा कोहरा है, नहीं तो मैं दिखाता कि पानी का फ्लो कैसे आ रहा है एकदम तेज। और ये घाट बनाए गए हैं, कितने सुंदर घाट हैं। और ये हम थोड़ा साइड में आए हुए हैं, इसीलिए इधर भीड़ कम है, मेन भीड़ हमारी उस साइड है। तो हमने थोड़ा सा शांति से स्नान करने के लिए हम लोगों ने इस घाट को चुना है। क्या लुक है, क्या नज़ारा है।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो फ्रेंड्स ये देखिए पापा अंदर जाते हुए, बस बस बस। तो फ्रेंड्स पापा अर्घ दे रहे हैं सूर्य को। देखिए यहाँ पर पान माने उनके प्रवाह को एक नया घाट तैयार किया गया है और ये घाट काफी अच्छा है स्नान करने के लिए, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा। लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं एकाध दुका करके, तो हम लोग तो यहीं पर स्नान किए और इस तरह से गौरव स्नान करके कपड़ा अपना चेंज कर रहे हैं और ये है पानी का प्रवाह कुछ इस तरह से चारों तरफ बना हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ बना दिया गया है दोस्तों, काफी कुछ अच्छा लग रहा है। और लेकिन कोहरे ने सब कुछ जो है कि ढक लिया है, अपने आगोश में ले लिया है और ये सूर्य जो है कि थोड़ा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हो अयोध्या में राम है और राम रमन्ते तत्र योगिना राम, जो योगियों में के शरीर में रहता है वह राम है। योगी कौन है? तो जो अपने सारे कर्म करता है, तो सारे कर्म करने वालों के जो है कि जीवन में राम बसा हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों बहनों का प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो ये देखिए, ये है हम लोग सरयू नदी के नया घाट अयोध्या, भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली अयोध्या जी का दर्शन करते। और देखिए सरयू जी कितनी विहंगम से पह रही हैं एकदम। ये देखिए इनका फ्लो देखिए पानी का एकदम। एक्चुअली दोस्तों कहा गया है कि आस्था से बल मिलता है, ठीक है? तो आस्था से बल मिलता है इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जहां भी आप आस्था लगाएंगे ना, वहां से आपको पावर मिलने लगेगा, बल मिलने लगेगा। और फिर तब आप जो है कि देखिए सिंपल सी बात है, इतना धुंध था, इतना कोहरा था और फिर भी जब मैं आया ना, तो यही तो स्थान की बात होती है ना, जगह को देख करके मन में एक ऐसी एनर्जी आई, नहीं नहाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। और फिर हम लोग नहा लिए और चल दिए यहाँ से। देखिए तो भाई मम्मी लोग गीत गा रही हैं और ये लोग गीत गा रही हैं। सरयू जी अपनाया हमर गोरा बथेला, सरयू जी अपना फेर आइबू सेवका फेर आइबू, अब की भूतावे पतोहिया लेके फेर, अब की दिया वे दाम ले ले फे, अब की भार दो दिन आती लेके फेर लाइब। तनी लड्डू खिया दिले ना ना, अरे पागल हो जाएगा यार, चाहू भी पागल हो जाएगा। तो कहे के ना मानता लखिया तू तू तो ये अद्भुत नजारे, जहाँ नेचर देखिए बंदर कैसे खाते हैं। ये चल रहे हैं हनुमानगढ़ी का दर्शन कराने आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरह से है यहाँ की व्यवस्था और सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर चलना है। और ओम हनुमते नमः, मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। उलंग शंधोशलम सलीलम जाशोकवाणी जनकात्मजाया आदाय देवेव नमामितं प्रांजलम जलीलम अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम सानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वात जातम नमामि मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उलंग शंधोशलम सलीलम जाशोकवाणी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंका
नमामितम प्राणिनः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। सॉरी सॉरी। ओम हनुमते नमः। अरे उधर से जाना है, सॉरी। तो यहाँ पर भगवान के, राम के अनन्य भक्त, राम के सेवक, ये हनुमान जी विराजमान हैं। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। प्रसाद दो गौरव। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ये आप लोग भी दर्शन करें। ये हैं भगवान के अनन्य सेवक। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दर्शन कराया। और कुछ इस तरह से ओम हनुमते नमः आप लोग ही बोले। आ जाओ गौरव। मम्मी कहाँ हैं? आ रहे हैं लोग अभी। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं जहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ पर, और कुछ इस तरह के अयोध्या के अंदर के मकाने हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं मैं दिखा रहा हूँ, जो एक इस तरह से बनाया जा रहा है जगह जगह पर। और देखिए ये प्रसाद हनुमान जी को चढ़ता रहता है। तो इस तरह से चारों तरफ जो है कि कुछ अंदर की व्यू, चारों तरफ साधु सन्यासी और बंदर, ये यहाँ की विशेषता है। हर जगह त्रिपुंड लगाए हुए आपको लोग मिल जाएंगे, चारों तरफ धर्मशालाएं मिल जाएंगी, और देखिए इतने छोटे छोटे बालक भी त्रिपुंड लगाए हुए आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह की कहानी है। देखिए सामने धर्मशाला है, तो हर तरफ ये रामनगरी कुछ अलग ही रूपों में दिखाई देती है, जहाँ पर साधु संत महात्मा और सारे लोग हैं। उधर इस तरह से निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ अलग है। कभी कभी स्थान का भी असर पड़ता है, जिस स्थान पर हम जाते हैं और वहाँ की वाइब एक ऐसी होती है जिस वाइब से जो है कि आदमी एक दूसरे तरीकों से आ जाता है, रहने लगता है। तो कभी कभी ऐसे स्थानों पर आना चाहिए, रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे बहनोई और बहन भी आ रहे हैं लोग, सारे लोग। और यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम शुरू हो गया है, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, संत महात्मा आए हुए हैं, माता जी हैं।